2017-18 का जब बजट पेश किया जा रहा था तो संसद में कहा गया कि भाई हमारे देश का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको अभी तक हम 1857 कहते आ रहे हैं, अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है पाइका विद्रोह से। मतलब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाएगा, पाइका विद्रोह या पाइका रिबेलियन को कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है भाई, एक कौन है पाइका। तो सबसे पहले ये जो पाइका शब्द आया है, ये आया है पद्दिका से, पद्दिका से, इसका मतलब होता है पैदल, पैदल चलने वाला। तो यहाँ पे जो पाइका थे ये वो लोग थे, ये ऐसे लोग थे जो पैदल सैनिक थे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फुट सोल्जर्स। तो पैदल सैनिकों ने विद्रोह किया। तो पाइका शब्द किससे आया है, पद्दिका शब्द से आया है। पद्दिका मतलब होता है पैदल, पैदल चलने वाला सैनिक। ठीक है, अब यहाँ पे तो सिर्फ लिखा 1817, लेकिन जैसा कि अब सरकार ने इसमें बहुत ज्यादा एम्फसिस कर दिया है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। असल में पाइका विद्रोह 2 बार हुआ है। पहली बार जो हुआ है वो 1804 में हुआ है, लेकिन वो ज्यादा इंटेंस नहीं था। और दूसरी बार जो हुआ है वो 1817 में हुआ है। जो पहली बार हुआ था वो 1804 से शुरू हुआ था, 1805 में खत्म हो गया था। दूसरी बार जो शुरू हुआ वो 1817 से चला है, 1825 तक चला है। मैंने यहाँ आपको सिर्फ शुरुआत का ध्यान रखना है कि 1817 में पाइका विद्रोह, कभी अगर मेंस में आ गया तो आपको दोनों बताने पड़ेंगे कि भाई पाइका विद्रोह एक 1804-5 में भी हुआ था और एक 1817 से 1825 तक हुआ। लेकिन जनरल वे में अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है और तो आपको 1817 ही टिक करना है, क्योंकि इस समय ये ज्यादा इंटेंस रहा है। लगभग 4 महीने तक ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे उड़ीसा से, मतलब जो कोस्टल उड़ीसा से, वहां से भगा दिया गया था। एक तरह से आजादी हो गया था वो इलाका। अब क्या है ये लोग, अब हमने ये बात कर ली कि भाई ये पाइका पैदल चलने वाले सैनिक कहा जाता है, ये जो रिवोल्ट है ये 2 फेजेस में हुआ है। अब ये जो पाइक है जिनसे शब्द आया है पाइका, ये ट्रेडिशनल मिलिशिया लोग हैं। मिलिशिया मतलब जो मिलिट्री वाला काम करते हैं, जो लड़ते हैं। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, मतलब इनकी जो लड़ने की शैली है वो गुरिल्ला वॉरफेयर है या पारंपरिक है, तलवारों से लड़ना। ये व्यक्ति देखो हाथ में तलवार लिया है, बंदूक नहीं लिया, ये व्यक्ति है ना, ट्रेडिशनल मिलिशियास होते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि ये जो पाइका लोग थे, ठीक है, हमने मराठाओं में देखा कि पिंडारे लोग थे, ठीक है, रामोसी लोगों को देखा, अमूमन हर एक हमने विजयनगर एम्पायर में पॉलीगर्स लोगों को देखा। तो ये सब जो भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि परमानेंट सैनिक है। इन लोगों को जब लड़ाई होती थी तब बुलाया जाता था, पे किया जाता था, और जब लड़ाई नहीं होती थी तो इनको दूसरे काम ये करते थे। असल में जो पाइक लोग थे ये खेती भी करते थे, ये खेती भी करते थे, मतलब ये इनको हम कह सकते हैं लैंडेड मिलिशिया कह सकते हैं, लैंडेड मिलिशिया। क्या इसका मतलब ये है कि ये ऐसे मिलिशिया लोग हैं जिनके पास जमीन थी, ये जमीन है इनके पास, ये खेती करते थे, मौका आने पर, समय आने पर ये लड़ने भी जाते थे। और इनको जो जमीन दी जाती थी वो टैक्स फ्री होती थी, ये जमीन पर टैक्स फ्री, टैक्स नहीं लिया जाता था, क्योंकि भाई इनको सम्मान स्वरूप जमीन दी जाती थी कि आप लड़ रहे हैं, आप हमारे साम्राज्य की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इनको सम्मान स्वरूप टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी। ठीक है, जैसे आज आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा टेरिटोरियल आर्मी का, टेरिटोरियल आर्मी का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, नहीं सुना होगा तो करना विकिपीडिया क्या है। हम आप जैसे लोग जो चाहते हैं देश की सेवा करना, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम हमेशा आर्मी में रहे, तो हमारे आप लोगों के लिए एक ये कॉन्सेप्ट है प्रादेशिक सेना का या टेरिटोरियल आर्मी का, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए साल के 2 महीने हम इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में सर्व कर सकते हैं। इसका एग्जाम होता है और इसमें आप काम कर सकते हैं। जितने महीने आप काम करेंगे, 1-2 महीना ही होता है साल का, उसका पे करेगी आर्मी, आपको आर्मी की कुछ सुविधाएं भी मिलेगी। लेकिन आप जो एक्चुअल अपना काम कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कोई व्यापारी हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, वो आप अपना काम करते रहिए, लेकिन जब जिन 2 महीने आप जाएंगे आर्मी को सेवा करने, उस 2 महीने का आपको पेमेंट मिलेगा। और इस 2 महीने में अगर आपने अच्छा काम किया, आपकी लंबी सर्विस है, तो आपको रैंक भी मिलती है। आपको शायद पता हो, कोई मुझे बताया कि मिनिस्टर ऑफ जो हमारे राज्य वित्त मंत्री कौन है अभी,
राज्य वित्त मंत्री कौन है केंद्र में? निर्मला मैडम के बगल में कौन बैठा मिलता है आपको? देखा है कभी किसी को? ठीक है, अनुराग ठाकुर ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं, इनके पिताजी हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी ये वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं। और ये जो व्यक्ति है ये टेरिटोरियल आर्मी में काम करता है और ये इकलौते ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो टेरिटोरियल आर्मी में के हिस्से हैं। पढ़ना इनके बारे में, इनको कौन सी रैंक मिली आर्मी में से, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, क्या है ना, तो ये समझ लो ये उस समय की टेरिटोरियल आर्मी है, पाइका लोग, जब लड़ना है तब लड़े। उसके बाद इनको ये खेती करते थे ये इनको, और इनको टैक्स देना पड़ता था क्योंकि उस समय हम देख रहे थे कि सबसे बड़े जो टैक्स का जरिया था वो खेती ही थी और इनको टैक्स फ्री लैंड मिला हुआ था। आप लोगों ने पाइका लोगों का सोशल स्ट्रक्चर समझ लिया, ये लोग कई पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे थे। पिताजी पाइक थे, उनके पिताजी पाइक थे, हम भी पाइक है, हम लड़ेंगे, जब राज्य बुलाएगा हम लड़ने जाएंगे, राज्य हमको पे करता है और हमें टैक्स फ्री जमीन देता है खेती करने के लिए, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब हुआ क्या था यहाँ ये देख लेते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए कि जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर था उसका टाइम पीरियड क्या था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का समय क्या है? ठीक है, तो ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ और इस मराठा वॉर में हमने देखा है कि जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी, चाहे वो भोसले हो, चाहे वो गायकवाड़ हो, चाहे वो सिंधिया हो, वो सबको एक एक करके अंग्रेजों ने हराया, उनके साथ संधि साइन की। ये जो एरिया है, अगर मैं ये भारत का ऐसा नक्शा बनाऊं तो ये जो एरिया मिलेगा ये है उड़ीसा वाला एरिया, आज का उड़ीसा, आज का उड़ीसा ऐसे है, इधर आंध्र प्रदेश घुस जाता है ना, तो यहाँ वाला जो एरिया, ये जो उड़ीसा वाला एरिया था उस समय, जैसा कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों बोल देते हैं, इसका मतलब अंग्रेजों के पास ये बंगाल की प्रेसिडेंसी में था। सबसे पहले जो उड़ीसा वाला एरिया था ये किसके पास था, ये मुगलों के पास था, मुगल्स के पास। अब मुगलों में भी किसके पास था, बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब उसके अंडर में था। तो 1751 में क्या हुआ, अलीवर्दी खान नाम का जो व्यक्ति था, जो सिराज उद्दौला का नाना था, उसने ये जो इलाका है उड़ीसा वाला, ये इलाका किसको दे दिया था, अंग्रेजों को दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था उड़ीसा वाला इलाका। ठीक है, तो हमने ये देखा मुगलों के पास, मुगलों से ये जो उड़ीसा है किसके पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, और अभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल प्रेसिडेंसी उसका एक हिस्सा है। ठीक, तो सॉरी थोड़ा सा मैंने इतनी जल्दी ले आया इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इरेजर कहाँ है यहाँ पे, 1751 में मराठा आएंगे, मराठा, तो 1751 में ये जो उड़ीसा वाला एरिया है ये मराठा के पास चला जाता है, अलीवर्दी खान से ले लिया जाता है ना। हमने देखा था मराठा बर्गी क्या करते थे, पश्चिम बंगाल वाले इलाके में जाया करते थे, वहां लूटते थे, तो इनको इलाका मिल गया, तो मराठाओं के अंडर में था, और मराठा में भी किसके अंडर में था, नागपुर वाले भोसले के अंदर में, नागपुर वाले भोसले। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में, तो इन्होंने जो भी मराठा कॉन्फेडरेसी थी उनके साथ अलग अलग समय पे अलग अलग लोकेशन पे युद्ध किया, फिर संधियां की और अल्टीमेटली सबको सब्सिडरी लाइन साइन करवा ली। तो नागपुर वालों के साथ एक संधि करते हैं अंग्रेज, जिसका नाम है देवगांव की संधि, देवगांव की संधि जब साइन करते हैं, तो इस संधि से ये जो उड़ीसा वाला एरिया है, देवगांव की संधि से ये जो उड़ीसा वाला एरिया है ये किसको मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है, ये जो उड़ीसा वाला एरिया किसको मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसके अंडर में ये चला जाता है। ठीक, तो ये तो ऊपर ऊपर की बात हो रही है कि कभी ये मुगलों के अंडर में था, फिर मराठाओं के अंडर में गया, मराठाओं में भी नागपुर वालों के अंडर में था, फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में देवगांव की संधि के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया, लेकिन उड़ीसा जो एरिया है ना, उड़ीसा में घाटों का एरिया है वहां पे, और वहां बहुत ज्यादा टेरेन डिफिकल्ट है, बहुत दिक्कत है वहां पे। आज भी आप देखिए नक्सलिज्म जो है
चरम पे है उधर साइड, तो ये तो ऊपर ऊपर की बात हुई कि भैया ये मालिक है ये मालिक है, अंदर की बात करें हम जो तो नीचे के लेवल पे जो इसका कंट्रोल है, तो यहाँ पे एक डायनेस्टी रूल कर रही है, इसका नाम है भोई डायनेस्टी। भोई डायनेस्टी ये यहाँ के एक्चुअल राजा थे, भोई साम्राज्य चल रहा था, और इनमें यहाँ के जो राजा थे इनको कहा जाता था गजपति राजा, गजपति किंग्स या गजपति राजा। एक्चुअल में ये लोग कंट्रोल कर रहे थे, इनके ऊपर जो भी रहेगा चाहे मुगल रहे चाहे मराठा रहे चाहे अंग्रेज रहे, उसको ये ट्रिब्यूट देते थे, उसको पैसा देते थे कि साहब ये पकड़िए पैसा, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल तो इनका था। यहाँ पे भोई डायनेस्टी रूल कर रही थी और यहाँ के राजाओं को गजपति राजा कहा जा रहा था, और इस समय 1803 के समय से ही यहाँ का जो राजा था उसका नाम था मुकुंद देव, मुकुंद देव। ये काफी छोटा था, बच्चा ही था जब ये राजा बन गया था, और पहली क्रांति जब हुई या दूसरी क्रांति हुई दोनों में मुकुंद देव रहेंगे, ठीक है, एक ही व्यक्ति रहेगा मुकुंद देव, क्योंकि वो बच्चे की उम्र में राजा बन गया था। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि ये जो पाइका वाला विद्रोह है, ये जो उड़ीसा वाला है, इसका हैंडओवर कैसे हुआ, किसके पास कैसे गया ये, और अभी ये ध्यान रखना कि यहाँ पे डायनेस्टी कौन सी है, भोई डायनेस्टी है, और उसके राजाओं को गजपति राजा कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था पुर्तगाल जब पढ़ रहे थे तो जैमोरिन किंग हुआ करते थे, जैमोरिन वो टाइटल था, गजपति मतलब यहाँ पे क्या, गज मतलब हाथी, हाथी के जो स्वामी है उन्हें गजपति राजा कहा गया, ये भी एक टाइटल है, लेकिन एक्चुअल में जो राजा था उस समय वो था मुकुंद देव। और मुकुंद देव यहाँ पे लिखा है, वो मुकुंद देव जो था उसे कहते थे राजा ऑफ खुर्दा, मुकुंद देव का जो इलाका था, कहाँ के राजा थे वो, तो खुर्दा के राजा थे। उस समय उड़ीसा नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये तो अंग्रेजों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने के लिए बोल दिया ये मेरा उड़ीसा वाला हिस्सा है। और कभी कभी हिस्ट्री को हम आज के करंट करंट से भी जोड़ के बोलते हैं कि ये उड़ीसा ये आंध्र प्रदेश है, लेकिन आज से 400 साल पहले या 300 साल पहले आंध्र प्रदेश नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, उड़ीसा नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हमें समझ में आया इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं। तो अभी तक आपने ये देखा कि ये जो पूरा इलाका है इधर वाला, इधर कोस्टल एरिया, यहाँ पे भोई डायनेस्टी रूल करती है, उनके राजाओं को गजपति राजा कहा जाता है, उस समय जो राजा था उसका नाम था मुकुंद देव, मुकुंद देव को राजा ऑफ खुर्दा भी कहा जाता है, खुर्दा नाम का एक जिला है बाकायदा, उड़ीसा में एक जिला है। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर, यस सर, अब क्या हुआ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसके बाद देवगांव की संधि हुई और नागपुर वाले जो भोसले साहब थे, भोसले ने ये इलाका किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, और अल्टीमेटली जो राजा ऑफ खुर्दा है अब वो किसके अंडर में होगा, अंग्रेजों के अंडर में होगा, और राजा ऑफ खुर्दा जो था मुकुंद देव था, काफी छोटा बच्चे था जब वो उसको बना दिया गया था, और जैसे अंग्रेजों के अंडर में गया ये इलाका, तो अंग्रेजों ने क्या बोला, सब्सिडरी लैंड्स की पहली शर्त क्या थी, आपकी आर्मी नहीं रहेगी, आर्मी हमारी रहेगी। तो जब आर्मी अंग्रेजों की रहेगी तो ये जो पाइक लोग थे जिनको अच्छा खासा पैसा मिलता था, टैक्स फ्री लैंड मिलता था, ये तो बेरोजगार हो गए ना बेचारे, यहाँ पे लिखा है ना पाइक बिकम अनएम्प्लॉयड, तो बेरोजगार हो गए ना, अब युद्ध लड़ना है ना पैसा मिलेगा, ऊपर से टैक्स फ्री जो जमीन मिली हुई थी वो इनसे छीन ली गई, क्योंकि आपको पता होगा कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आ गया है, और उसमें ये था कि भी जमीन का मालिक जमींदार और हर जमीन से हमें चाहिए टैक्स, और यहाँ पे तो इनको टैक्स फ्री जमीन मिली हुई थी, कांग्रेस को थोड़ी ना बर्दाश्त होगा कि टैक्स फ्री जमीन क्यों देंगे भाई, तो पाई एक तरह से बेरोजगार हो गए, राजा इनका एक तरह से कठपुतली राजा हो गया अंग्रेजों के अंडर में, तो राजा इनको काम दे नहीं रहा है, कोई युद्ध करना नहीं क्योंकि आपने सब्सिडरी लैंड साइन कर ली है, ठीक है, इनको जो टैक्स फ्री मिले हुए थे लैंड उनसे उन पर टैक्स लगा दिया गया, अब उनको टैक्स भी देना है, और टैक्स नहीं देंगे तो जमींदार उनको बेदखल कर देगा। तो ये जो पाइक लोग थे जो सदियों से लड़ते आ रहे थे, जो कि मिलिशिया लोग थे जिनकी जिनका खून उबलता था उबाल मारता था, इनको आपने कर दिया कि बेरोजगार, इनको आपने कर दिया बेरोजगार, इतना आपको सिनेरियो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्रांति की, सबसे मेन है रीजन, क्योंकि भैया ये प्री मेन सेंटर में सबके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई पहला जो था 1803 में क्या हुआ, ये सब कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उड़ीसा को पूरे अंडर में आ गया, और राजा ऑफ खुर्दा भी इसके अंडर में आ गया। अब ये जो राजा ऑफ खुर्दा थे इनके प्राइम मिनिस्टर थे, या इनको दीवान कह सकते हैं, इनका नाम था जय राजगुरु, जय राजगुरु। ये हम कब की बात कर रहे हैं, पहली वाले की, मैंने पहले वाले का समय क्या बोला 1804 से 1805, जय राजगुरु। असल में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने राजा ऑफ खुर्दा यानी मुकुंद देव से बोला था, जब ये सेकंड चल रहा था
एंग्लो मराठा वार, मुकुंद देव से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने बोला, यार देखो तुम हमारी सहायता करो मराठाओं को हराने में। तो मुकुंद देव तो वैसे ही मराठाओं के अंडर में था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ऑफर दिया कि अगर तुम हमारी सहायता करोगे मराठाओं को हराने में, तो हम तुम्हें 1 लाख रुपए भी देंगे और तुम्हारा एरिया भी बढ़ा देंगे, तुमको सम्मान ज्यादा मिलेगा, तुम्हें पावर ज्यादा मिलेगी। तो मुकुंद देव तो बच्चे थे, और लेकिन उनके पीएम उस समय थे जय राजगुरु। तो मुकुंद देव तो मान गए, जय राजगुरु बोले नहीं यार मत करो, यार मराठाओं से क्यों गद्दारी कर रहे हो, मराठा तो के साथ तो हम पिछले 50 साल से है। लेकिन मुकुंद देव जो थे भाई, राजा ने कह दिया मतलब कह दिया। मुकुंद देव ने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में साथ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का अगेंस्ट मराठा, और मराठा हार भी गए। अब जब बात आई भाई पैसा लाओ, तो अंग्रेज मुकर गए। अंग्रेज अपने वादे से तो सबसे पहले मुकरते हैं, तो अंग्रेजों ने ना मुकुंद देव को पैसा दिया और ना वादा किया था कि आपको एरिया बढ़ा के देंगे, वो नहीं दिया। तो मुकुंद देव तो ठीक है भाई सुन के रह गए, लेकिन ये जो जय राजगुरु था इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने बोला ये क्या मजाक है यार, एक तो आपने हमारे ही मालिक, हमारे ही जो मराठा थे चीफ, उनसे आपने हमसे गद्दारी करवा ली, ऊपर से आप बोलते हो कि जो पैसा वादा किया गया था वो पैसा नहीं दिया, आपने हमसे जो जमीन का वादा किया वो जमीन नहीं दिया। जो जय राजगुरु था इसने विद्रोह कर दिया। तो जो पहला वाला विद्रोह था वो जय राजगुरु ने किया था, जो कि मुकुंद देव के दीवान थे या प्राइम मिनिस्टर, क्यों किया रीजन आपको समझ में आ गया। जय राजगुरु ने क्या किया, ईस्ट उड़ीसा में, अगर मैं यहाँ पे उड़ीसा का ये समझ लो आप, उड़ीसा है ना, यहाँ पे पड़ता है पुरी, इसके ऊपर है खुर्दा, और यहाँ पे है कटक। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन है आज। तो अंग्रेजों का पूरा हेडक्वार्टर कटक में था, पुरी तो बड़ा फेमस जगह है, वहां पे जगन्नाथ मंदिर है, और खुर्दा में ये लोग बैठे हुए थे। तो जय राजगुरु ने विद्रोह कर दिया, और खुर्दा में जो उनके सेटलमेंट थे अंग्रेजों के उसको तोड़फोड़ दिया, कटक तक पहुंच गया, और कटक में भी बड़ी तबाही मचाई। तो 1804 की ये बात है, जय राजगुरु भिड़ गए, और लगभग 1-2 महीने ये रिवोल्ट चला। जय राजगुरु को पकड़ा गया, जय राजगुरु को बोला गया कि भैया तुम माफी मांगो, जय राजगुरु बोला माफी नहीं मांगेंगे, आपने हमारे साथ गलत किया है। तो जय राजगुरु को पेड़ से टांग दिया गया, पेड़ से जय राजगुरु को टांग दिया गया, मार दिया गया, किसी गेट कर दिया। अब मुकुंद देव से बोले, यार मुकुंद देव तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ गद्दारी करी, हमसे लड़ाई की। तो मुकुंद देव को ये कहाँ ले गए, कटक ले गए। कटक में क्या कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया कि तुम चलो तुमसे ना हो पाएगा, हाउस अरेस्ट कर दिया। मतलब खुर्दा का राजा अब हाउस अरेस्ट है, इन नजरबंद है कटक में, कटक में इनका हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का। तो ये तो पहली क्रांति हुई थी, जो कि किसके नेतृत्व में हुई थी, जय राजगुरु के नेतृत्व में हुई थी। जय राजगुरु कौन थे, मुकुंद देव के प्राइम मिनिस्टर थे, या खुर्दा राज्य खुर्दा के प्राइम मिनिस्टर दीवान। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब अगले वाले की बात करते हैं, 1817 की। ये जो शुरू हुआ 1817 में शुरू हुआ और 1825 में तक चला। राजा ऑफ खुर्दा तो वही है मुकुंद देव, वही व्यक्ति है मुकुंद देव। इसका एक सेनापति है, मुकुंद देव का सेनापति, यानी एसी लिख देता हूँ, आर्मी कमांडर, इनका नाम है बख्शी जग बंधु। बख्शी जग बंधु ये भी काफी समय से इनके साथ थे, यहाँ तक कि जो पहली बार क्रांति हुई थी तब भी यही आर्मी कमांडर थे, लेकिन इन्होंने तब साथ नहीं दिया था, तब वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने दम पे किया था। ये बख्शी जगबंधु, बख्शी वैसे एक पोस्ट हुआ करते थे मुगलों में, और उसका मेन नाम से मतलब कह दिया कि बख्शी आर्य, इसका मतलब ये आर्मी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। बख्शी जगबंधु कौन थे, आर्मी कमांडर, प्राइम मिनिस्टर का तो रोल ही नहीं है। ये मुकुंद देव 1805 से ही कहाँ बैठा हुआ है, ये मुकुंद देव 1805 से ही कहाँ है, पुरी में है, हाउस अरेस्ट में। ठीक है, अब बख्शी जगबंधु जो है ये आर्मी कमांडर है। ठीक, अब क्या हुआ, बख्शी जगबंधु भी को भी बहुत सारी जमीन मिली हुई, बहुत सारी जमीन मिली थी जो कि टैक्स फ्री थी। ठीक है भाई, आर्मी कमांडर है, इनको जमीन मिली है, लेकिन अब अंग्रेज आए बोले भैया हम तो हर चीज पे टैक्स लगाएंगे। ठीक है भाई लगाओ यार, तुम्हारा मार तुम्हारा मन टैक्स लगा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात क्या की, कौड़ी, कौड़ी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग कौड़ी को हमेशा गलत नजरों से देखते हैं कि कौड़ी के भाव बिक जाएगा तो तेरी तो कौड़ी की कीमत नहीं है, असल में कौड़ी एक
करेंसी हुआ करती थी, है ना, और कौड़ी करेंसी यहाँ चला करती थी। इन्होंने कौड़ी करेंसी को बंद कर दिया और बोला कि भाई हमारे सिक्के चलेंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि भाई जो भी टैक्स हमें चुकाओगे ना वो चांदी में चुकाना, चांदी में, सिल्वर में। और सिल्वर जो था, अब पहले तो ये था कि टैक्स कौड़ी में चुका सकते थे, ये करेंसी थी बकाया था, उसको बंद करके बोला चांदी में चुकाओ, तो इसमें भी दिक्कत होगी टैक्स चुकाने में। दूसरा, ये जो बख्शी जग बंधु थे इनके पास बहुत सारी जमीन मिली हुई थी, ये टैक्स फ्री थी, इन पर टैक्स लग गया, ठीक है भाई टैक्स लग गया, टैक्स तो चुकाएंगे। एक बार क्या हुआ, इन्होंने किसी के हाथ से पैसा दिया कि भैया मेरा टैक्स चुका दो, तो वो पैसा उसने दिया कि नहीं दिया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी बाद में आ गए अगले दिन इनके घर और बोला कि भैया सनसेट लॉ जो था, सनसेट लॉ के तहत कल की शाम तक आपका पैसा हमारे पास नहीं आया, सूर्यास्त तक नहीं आया, सूरज डूब गया, इसलिए आज आपकी पूरी जमीन हम छीन रहे हैं। तो बख्शी जगबंधु को तो दिमाग खराब हो गया, बोला यार हमने तो पैसे भिजवा दिए आपको, बोला हमें नहीं मिले। तो आर्मी कमांडर है उसको उसकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, तो बख्शी जगबंधु क्यों सहे। दिक्कत तो वही सी थी भाई, 1804 से ही 1817 तक ये सब कुछ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बहुत सारा टैक्स लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कौड़ी बंद करवा दी, इज्जत खराब कर दी, यहाँ पे पाइक लोगों को इज्जत नहीं रह गई, सब कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा था। लेकिन जब बख्शी जगबंधु को उनकी जमीन से बेदखल करने की बात आ गई, जबकि इन्होंने पैसा दिया था, वो पैसा किसने खाया पता नहीं, तब बख्शी जगबंधु ने बोला कि बहुत हो गया अब तो लड़ेंगे। तो ये था ट्रिगरिंग कॉज, ये था इमीडिएट कॉज कि बख्शी जगबंधु जो कि उस समय आर्मी कमांडर था राजा ऑफ खुर्दा के अधीन, उसको उसकी जमीन से बेदखल करने के लिए आ गए ये लोग, तो भैया आपने सनसेट लॉ का को माना नहीं है, इसलिए हम आपकी जमीन आपसे छीनेंगे। बख्शी जगबंधु ने बोला आप अब छीन के दिखाओ, गुस्सा तो सब में भरा ही था, ये लोग सब, ये जो पाइक लोग थे ये तो पैदाइशी लड़ाके थे, इन लोगों ने बोला यार अब लड़ेंगे बहुत हो गया, क्योंकि राजा कहाँ है, जो राजा ऑफ खुर्दा है वो तो पुरी में बैठा है ना अभी भी, राजा ऑफ खुर्दा तो पुरी में बैठा है, और क्योंकि हाउस अरेस्ट है वो, बताइए पिछले 12 साल से तो हाउस अरेस्ट है वो, ये सब ये सारा खेल खुर्दा में हो रहा है। तो ये बख्शी जगबंधु ने खुर्दा से में बगावत शुरू कर दी, बहुत सारे इनके जो इलाके एस्टेब्लिशमेंट थे उसको तोड़ा, है ना, बहुत अंग्रेजों को मारा, वहां पे जो रेसिडेंट था उसको ही मार दिया, और ये सब चीज शुरू हो गई। और ये जो रिवोल्ट था ये 1817 में बहुत ज्यादा मैसिव हो गया था, लगभग 3 महीने तक पूरे उड़ीसा से ईस्ट इंडिया कंपनी भाग गई, इनको झेल ही नहीं पा रही थी, ये पूरी गुरिल्ला टेक्निक से लड़ रहे थे और इनको संभाल नहीं पा रही थी। बाद में कटक से जब रीइंफोर्समेंट आएगा तब जाके थोड़ा मामला शांत होगा। और 1817 से लेकर 1825 तक तो बख्शी जगबंधु हैं ये, इन्होंने लीड किया और 1817 में बहुत ज्यादा वायलेंट था, उसके 1825 तक छुटपुट घटनाएं करते रहे, गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहे, छुपते रहे, मारते रहे। और इसी बीच में जो मुकुंद देव थे जो हाउस अरेस्ट थे, या खुर्दा के आखिरी राजा भी रहेंगे, तो उसके बाद खुर्दा की डायनेस्टी खत्म कर दी जाएगी, अंग्रेज खत्म कर देंगे, इनके पास जब आर्मी पहुंच गई, इनसे बोला कि राजा जी अब तो आप लीड करो। खुर्दा क्या है, खुर्दा एक जिला है, आज एक जिला है, पहले खुर्दा नाम की एक रियासत हुआ करती थी, ठीक है। तो इनके पास पहुंच गए, जैसे आप लोगों ने क्रांति में सुना होगा 1817 क्रांति में कि जो मुगल बादशाह बड़ा बुढ़ा था उसके पास लोग पहुंच के साहब आप लीड करो, तो उसने बोला ठीक है हम लीड करते हैं, कहने को कह दिया। वैसे जब इसके पास पहुंच गए बख्शी जगबंधु के लोग और बोले मुकुंदेव बहुत हुआ कब से हाउस अरेस्ट में हो आप, चलो लीड करो, तो इसने बोल दिया ठीक हम लीड करते हैं। इसी बीच में जो जगन्नाथपुरी के जो पुजारी थे उन्होंने भी कह दिया कि ये सही मौका है, भगवान जगन्नाथ का भी आशीर्वाद है और राजा लीड करेंगे और ये अंग्रेजों को हम इस देश से भगा देंगे। तो जनता में बहुत ज्यादा उत्साह आ गया बिल्कुल, और शुरू इसने पाइक लोगों ने किया था, बाद में आम लोग भी इसमें जुड़ गए, क्या किसान, क्या कारीगर, क्या टैक्स एजेंट, सब जुड़ गए, क्योंकि सब अल्टीमेटली परेशान ही थे, सब जुड़ गए। और लगभग 8 साल ये युद्ध चला, युद्ध कहना गलत होगा, मतलब ये अपराइजिंग चली। उसके बाद बख्शी जगबंधु को पकड़ा गया 1825 में और 1829 तक इनको जेल में रखा गया। 1829 में जेल में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और चंचल के पास कौड़ी है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो कौड़ी को आप गलत मत बोलना, कौड़ी करेंसी थी, ठीक है। तो ये चला है लगभग 8 साल चला है, बख्शी जगबंधु को मारा नहीं गया, इनको जेल में डाल दिया गया और 4 साल ये जेल में रहने पर 1829 में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये था अकॉर्डिंग टू
इंडियन गवर्नमेंट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने देखा एक पहला हुआ 1804-5 में, दूसरा हुआ 1817-25 के बीच में। अच्छा, इसी बीच में अंग्रेजों ने क्या किया था, वो जो पुजारी जिसने जगन्नाथ मंदिर का बड़ा पुजारी उसको तक मार डाला था कि भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया कि अंग्रेज भाग जाएंगे। तो अब फिर इसमें धार्मिक एंगल भी घुस गया। देखो शुरू में तो जमींदारी एंगल आपको दिख रहा है कि भैया जो बख्शी जगबंधु जमींदार था आपने उसको जमींदारी छीन ली, यानी उसकी आपसे जमीन छीन ली, तो वो भड़ गया। लेकिन अब धीमे धीमे आप देख रहे हैं यहाँ पे मुकुंदेव भी ने भी कह दिया, ऐलान कर दिया कि हम लड़ेंगे, भले वो आया नहीं, तो ये प्रिंस भी, प्रिंस ने कह दिया, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद आम जनता इसमें लड़ गई, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें सब लड़े, हर कोई लड़ा है, इसमें बहुत लोग मारे गए हैं लेकिन लड़ा हर कोई है। लगभग 8 साल चला, क्योंकि अगर सिर्फ एक आदमी लड़ता, मान लो बख्शी जगबंधु की जमीन जाती और वही बस लड़ता, तो क्या कोई रिवोल्ट के 8 साल चले गया बिना जनता के सपोर्ट के? 8 साल कोई चीज चलना नामुमकिन है। जनता ने लड़ा भिड़ा, अल्टीमेटली ये मुकुंद देव जो थे आखिरी राजा थे, खुर्दा थे, इसके बाद डायनेस्टी खत्म कर दी, अंग्रेजों ने उसको अपने अंडर में ले लिया और जगबंधु को जैसा कहा गया कि इनको पकड़ लिया गया और फिर 4 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई, कहाँ पे, जेल में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो था कि फिर टैक्स में थोड़ी सी छूट दी अंग्रेजों ने, जिनका पिछला बकाया था टैक्स उनको माफ कर दिया, फिर से असेसमेंट कराया जमीन का, क्योंकि दिक्कत तो यही थी ना, आप टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ये सब चीज थी। जो डिफॉल्टर थे उनकी जमीन जो वो बेचने वाले थे या इसे कहते हैं लैंड का ट्रांसफर करने वाले थे कि भाई तू नहीं चुका पाया तो बगल वाला लेगा, वो सब रोक दिया, क्योंकि था कि भाई हम इनको छेड़ेंगे, लड़ रहे हैं 8 साल से, इसलिए भैया जो वो चाहते थे वो कर दिया। लेकिन पाई का विद्रोह 8 साल चला है और इसमें पहले वाले में जय राजगुरु इसके लीडर रहेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर है, और उसका कारण मैंने आपको समझा दिया है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो था। और दूसरे वाले में इसके लीडर रहे हैं आर्मी कमांडर या सेनापति, और इनका नाम है बख्शी जगबंधु, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जय राजगुरु कौन थे, बख्शी जगबंधु कौन थे, राजा दोनों का एक है। अगली जो, अच्छा ये बताओ पाइका विद्रोह में किसी को डाउट है क्या? नो सर। हाँ पूछिए सर। जैसे अगर पाइका विद्रोह में कोई पर्टिकुलर लीडर पूछेंगे तो सर लीडर किसको बताएंगे, राजा कोई? राजा नहीं भैया, लीडर पहले वाले को लीड किया है जय राजगुरु ने 1804-5 का, राजा लीडर था ही नहीं। पहले वाले में लीड किया है जय राजगुरु जो कि प्राइम मिनिस्टर या दीवान थे, दूसरे वाले को लीड किया है सेनापति ने जिसका नाम था बख्शी जगबंधु, ठीक है, राजा लीडर नहीं है। राजा तो कुछ किया ही नहीं है, वो 12-15 साल हाउस अरेस्ट रहा है, उसके बाद भी उसने वहीं से बोल दिया पुरी से कि भैया सॉरी कटक से बोल दिया कि हाँ हम आएंगे, लेकिन आए नहीं हम, ठीक है, राजा तो नाम का राजा। चलिए अब अगली पढ़ते वाघेरा राय से। वाघेरा 1818 से 1820 के बीच में हुई थी। देखो ये जो साल है ना, ये बड़ा ही दुखदायी साल है। इस साल क्या हुआ था कोई मुझे बताएगा? मराठाओं से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम 1818 में हुआ था, बताइए। सर होलकर ने सब्सिडरी अलायंस भी साइन करी थी और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ ही खत्म हुआ? सर दोनों ही 1818 में सर खत्म हुआ था। जब भी 1700 का 1800 चला था। सवाल को समझा करो, सुना करो, फिर जवाब दिया करो। जब भी बोला 1818 में मराठाओं को लेकर क्या हुआ, तो आप सिंपल से बोलेंगे मराठाओं का जो सबसे मेन था चीफ पेशवा, वो पेंशनर हो गया। पेशवा के अंडर में थे सब भोसले सिंधिया, है ना, पेशवा था, ये पेंशनर हो गया। इसका मतलब मराठा खत्म, मराठा का सबसे बड़ा आदमी पेंशनर हो गया। तो जब ये गया तो अल्टीमेटली बाकी लोग तो जाने ही वाले, इनके साथ तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर से खेल चल रहा। और वाघेरा जो इलाका है ये बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उनके अंडर में आता था। यहाँ भी क्या किया, ये सब लोग तो पहले से अंग्रेजों के साथ थे या अंग्रेजों से हार चुके थे और सब्सिडरी लाइन साइन कर ली थी। कोई भी ऐसा मराठा कॉन्फेडरेसी का नहीं व्यक्ति है जिसने सब्सिडरी लाइन साइन ना की हो। हाँ सबसे लेस साइन की थी इंदौर के होलकर से, लेकिन साइन सबने की। यहाँ भी इन्होंने क्या किया, टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा कर दिया। भाई टैक्स तो हर जगह बढ़ाएंगे, ये बिना सिर पैर के टैक्स बढ़ाते, ये नहीं देखते थे कि भाई तुम किसान हो, तुमने 100 रुपए का अनाज उगाया, नहीं हमें तो 150 रुपए टैक्स चाहिए। इसे टैक्स के चक्कर में तो साहूकार सूदपुर के पास पहुंचता था किसान। ऐसा नहीं कि मनी लेंडर से सूदपुर साहूकार पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन वो पहले
अमीर लोगों को लोन दिया करते थे, क्योंकि अमीर लोग ही लोन लेने आते थे, आम आदमी को पास पर्याप्त हो रहा था, सेल्फ सफिशियंट थे, हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, आम आदमी कभी लोन लेने नहीं आता था। इसलिए आपने अपने दादा लोगों से सुना होगा, वो हमेशा उधार को या लोन को बुरा मानते हैं कि नहीं भाई उधार मत लेना, लोन मत लेना, किसी का कर्जा मत लेना, क्योंकि वो सेल्फ सफिशियंट थे। लेकिन हम आप बिना कर्जा लिए काम ही नहीं चलेगा, घर भी लेंगे तो हाउस लोन पे, कार भी लेंगे तो कार लोन पे, ठीक है। तो इनके हैवी टैक्स की वजह से मनी लेंडर्स की चांदी हो गई। पहले बड़े बड़े लोग जैसे हमने सिराजुद्दौला के समय देखा था, जगत सेठ थे, उम्मीचंद थे, ये सब मनी, ये बड़े बड़े बैंकर्स थे, वही मनी लेंडर जिनसे जो बड़े लोगों को लोन दिया करते थे। अब तो आम जनता इनके अंदर आ रही है, क्योंकि इनको टैक्स देना था, तो जनता सूदखोर के पास जा रही, सूद अलग वो लगा रहा है, कभी प्रिंसिपल अमाउंट खत्म ही नहीं हो रहा है, ये और पैसा लेने पहुंच जा रहे हैं, जमीन में कुछ उपज हो नहीं रही है, कभी सूखा पड़ रहा, कभी बाढ़ आ रही है ना, कभी दिक्कत हो रही है, कभी पाला गिर रहा है। अब कब तक सहेगा इंसान? कहते हैं ना कि भाई जब अति होगी तो लड़ेगा ही। तो ये वाघेरा अपराइजिंग 1818 में हुई थी, और सबसे मेन रीजन यही था कि इस समय तक गायकवाड़ जो है ये पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, ये सिर्फ नाम के राजा रह गए, सिर्फ नाम के। इन पर्टिकुलर डायनेस्टी के लोग जो है, गायकवाड़ या भोसले या सिंधिया, इनके जो राज परिवार है, इनका खाना खर्चा अंग्रेज दे रहा है, बाकी इनके पूरे इलाके में अंग्रेज मालिक, इनकी जनता के साथ वो क्या कर रहा है, इनमें हिम्मत नहीं कि चूचा कर ले, ठीक है। तो ये वाघेरा अपराइजिंग हुई थी, और यहाँ भी मेन रीजन यही था, हैवी टैक्स कलेक्शन। और वाघेरा का लोकेशन याद रखना कि भाई गुजरात वाला एरिया था, और गुजरात में किसके अंदर आता था, गायकवाड़ के अंदर में आता था, क्योंकि अब तो जितने भी मराठा कॉन्फेडरेसी को तो अंग्रेजों के से हार चुकी है, और उसके उसके साथ उसने सब्सिडी लाइन साइन कर ली, ठीक है। 1820 में 30 संधि हो जाती है। कोई लीडर का नाम इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं याद करना, ये इम्पोर्टेंट है, अहोम विद्रोह इम्पोर्टेंट है। अहोम को आज कहा जाता है असम, असल में असम वाला जो इलाका है, देखो पहली चीज, वर्तमान का जो असम है वो तो बहुत छोटा है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो आप इससे मणिपुर हटा दीजिए और त्रिपुरा हटा दीजिए, इसको छोड़ के जो कुछ भी बचा है वो सब असम है पुराने जमाने का। मणिपुर और त्रिपुरा हमेशा से राजशाही रही है, वो अहोम किंगडम के अंडर डायरेक्ट नहीं थे, मतलब। और ये जो पूरा असम है, मतलब मणिपुर त्रिपुरा छोड़ के बाकी जो नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है, सिक्किम भी छोड़ देना, बाकी सब असम में, चाहे उसमें नागालैंड ले लो, चाहे उसमें मिजोरम ले लो, चाहे मेघालय ले लो, चाहे अरुणाचल, सब असम में आता। असम में जो डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम था अहोम डायनेस्टी, अहोम अहोम डायनेस्टी, ठीक है। और अहोम डायनेस्टी जो थी ये काफी पावरफुल डायनेस्टी थी, अपने इस एरिया में अच्छा खासा रूल कर रही थी। अगर आप देखिए तो ऊपर कौन बैठा था, चिंग चाइना था, चाइना में चिंग मिंग चल रहा था, इधर ये भूटान था, भूटान में अलग राजशाही चल रही थी, ठीक है। ये पूरा अहोम किंगडम था, इधर म्यांमार था यानी बर्मा, यहाँ पे अलग इनका राजशाही चल रही है। और ये जो इलाका है यहाँ पे, ये बंगाल वाला एरिया था, बंगाल किसके अंडर में था, हमेशा हमेशा से बंगाल किसके अंडर में था, ये अहोम किंगडम का फ्लैग है, बंगाल हमेशा से किसके अंडर में था, मुगलों के अंडर में था बात, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक मुगल है, यहाँ पे पूरे अहोम है, ऊपर चाइना है, इधर म्यांमार है, ठीक है। तो अहोम जो किंगडम था, पहली चीज तो देखो ये आधा तो सिक्योर हो गया, इधर से हिमालय घूम रहा है, इधर हिमालय घूमता जा रहा है, तो हिमालय ने इसको बचा लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें गंगा नदी मिलती है, यानी गंगा के डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसने इसको बचा लिया। अब जो अहोम किंगडम का जो मेन लोकेशन था, जहां पे ये बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ब्रह्मपुत्रा का मैदान मतलब जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसके दोनों तरफ अहोम में, अहोम का मेन किंगडम था। और हमेशा से मुगल चाहे थे कि बंगाल से अपनी आर्मी भेज के अहोम को जीती है, लेकिन मुगल्स कभी जीत नहीं पाए। एक बैटल ऑफ सराई घाट हुई है, कहीं मौका लगे और बताएंगे, बैटल ऑफ सराई घाट। और वो असल में पूरी जो लड़ाई थी ना, ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई थी, मतलब दोनों तरफ से नेवी आ गई थी, लड़ी गई थी, लेकिन अल्टीमेटली अहोम वाले जीत गए। आजकल मतलब पिछले 6 महीने से असम में चुनाव था ना, तो असम की बड़ी हिस्ट्री निकाली जा रही थी, नेशनल लेवल पे असम की बहुत सारी हिस्ट्री निकल रही थी कि भाई यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। तो जब भी जिस साल में जिस स्टेट में चुनाव होते हैं ना, वहाँ की हिस्ट्री थोड़ी पढ़ के चले आना, क्योंकि वर्तमान जो हमारी गवर्नमेंट है वो राष्ट्रवादी कार्ड अमूमन खेलती है, और जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहाँ की इतिहास निकाल निकाल के, वहाँ के लीडर्स निकाल निकाल के फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। और हमारा काम है कि सिलेक्शन लेना, इसलिए
वो चीजें इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन अभी असम में चुनाव नहीं, अभी यूपी में चुनाव है, तो यूपी से जुड़ी हुई जो भी ऐतिहासिक पन्ने होंगे ना उसको खोला जाएगा, अभी 2-4 महीने के बाद खुलना शुरू हो जाएंगे, नए नए किरदार आपको देखने को मिलेंगे यूपी में। खैर, तो अहोम जो किंगडम था ये आपने देखा यहाँ पे पिछले 500 सालों से यहाँ पे रूल कर रहा था, इधर इधर बंगाल था, इधर चाइना था, चाइना में पहले मिंग डायनेस्टी आई थी, बाद में चिंग डायनेस्टी आई थी, इधर बर्मा वाला इलाका था, ये सब ठीक ठाक चल रहा था। अब हम बात कर रहे हैं अहोम में रिवोल्ट क्यों हुआ, अहोम का रिवोल्ट राजाओं ने किया वहां के राजा ने। तो अब मुझे आप ये बताइए कि फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर कब हुआ था? प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? सर 1824 to 26। और इसमें एक तरफ थे अंग्रेज, एक तरफ थे बर्मा, और इसके बाद एक संधि हुई थी जिसका नाम था यान डाबो की संधि। ठीक है, और इस संधि में अल्टीमेटली जो बर्मा वाला इलाका था वो हारा था, लेकिन बर्मा और बर्मा से ये जो अहोम वाला हिस्सा था ये अंग्रेजों ने ले लिया था। असल में देखो अहोम किंगडम हमेशा से इंडिपेंडेंट था, लेकिन अहोम लोग बर्मा के राजा को ट्रिब्यूट भेजा करते थे, ठीक है भाई आप सम्मान ले लीजिए, लेकिन बाकी ग्राउंड लेवल पे तो हमारा ही रूल रहेगा। लेकिन फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर के बाद से ये जो अहोम वाला किंगडम था ये म्यांमार ने इसको दे दिया बंगाल को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑन पेपर कि भैया हम ले लेंगे, हम आपको दे रहे हैं, आप में दम हो तो ले लो, ठीक है, मतलब हमने तो दे दिया आपको पूरा असम इलाका, अब आप में हिम्मत है तो अपनी आर्मी भेज के इन लोगों से लड़ ले। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वो बर्मा वॉर में तो ये हुआ था। अच्छा, इसी बीच में ये जो अहोम के लोग थे, अहोम के राजा थे, वो ये बोल रहे थे यार, उनका ये कहना था म्यांमार से ये कहना था कि बर्मा यार युद्ध लड़े तुम, युद्ध में हारे तुम, तो जब हारे हो तुम तो तुम अपनी जमीन दो ना, हमारी जमीन क्यों दे रहे हो अंग्रेजों, हम क्यों अंग्रेज के अंडर में जाएं, और ऐसा तो नहीं कि भाई तुम हम पे रूल कर रहे हो, हम तो सम्मान स्वरूप हम तुमको ट्रिब्यूट दिया करते थे, ये इस भूल में तुम क्यों आ गए कि हम तुम्हारे गुलाम है या हम तुम्हारे अंडर में, दम क्यों लड़के दिखाओ। और सही बात है, अहोम डायनेस्टी को कोई हरा नहीं पा रहा था, वो तो सम्मान स्वरूप, जैसे हम देखे कि अलीवर्दी खां के समय या फिर मुर्शीद कुली खां के नहीं अलीवर्दी खां के समय जो मुगल बादशाह थे वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बंगाल से जाके बोले ये दे दे ये वो दे दो मुझे, है ना, क्योंकि अलीवर्दी खान अपने आप में बड़ा आदमी था, लेकिन फिर भी वो सम्मान स्वरूप मुगल बादशाह को दिया करता था। इसका ये मतलब नहीं कि बंगाल का मालिक मुगल बादशाह, क्योंकि अलीवर्दी खान बैठा हुआ, ऐसा ही कुछ यहाँ पे था, म्यांमार को ट्रिब्यूट दिया करते, लेकिन म्यांमार को ही पता था कि अहोम हमारे अंडर में नहीं है और अहोम हमारा नौकर या गुलाम भी नहीं है। तो अहोम रिवोल्ट इसीलिए मेन चीज हुआ था कि भाई आपने जो यान डाबो की संधि की उसमें क्या कहा, म्यांमार ने ये जो अहोम वाला इलाका है ये किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया, और यहाँ के जो राजा थे वो भिड़ गए, बोले तुम होते कौन है हमको देने वाले, इसलिए हुआ था ये रिवोल्ट, इसलिए ये विद्रोह हुआ, क्योंकि धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स और आर्मी पहुंचने लगी यहाँ पे, तो जब आए तो अहोम के जो लोग थे यानी उनके जो आर्मी लोग अहोम की आर्मी थी वो उनको मारे, तो अंग्रेज बार बार म्यांमार को बोले बर्मा को यार क्या हो क्या रहा है, तुमने लिख के दिया है ना हमें कि भाई ये हमारे अंडर में है तो यहाँ के लोग हमको मार क्यों रहे हैं। तो फिर म्यांमार ने कहा कि भैया आप में हिम्मत है तो आप अहोम को जीत लो, है ना, तो ये हुआ था अहोम रिवोल्ट। ठीक है, यहाँ पे वही चीज मैंने बता दी। और अब अहोम वाले इतने गुस्से में आ गए थे कि जैसे कि मैंने ये मैप बनाया था, ये इधर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अहोम और ये बर्मा, तो अहोम वाले बर्मा को भी अटैक करना शुरू कर दिए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अटैक करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इस रिवोल्ट में तो दोनों को घेर के मार रहे थे कि तुम दोनों बहुत तेज चल रहे हो ना। ठीक है, तो ये रिवोल्ट हुआ था ये, और ये आप देखिए ये बह रही है नीली नीली ब्रह्मपुत्र नदी, ये गई ब्रह्मपुत्र नदी, ये गारो खासी जयंती है ना, ये अलग अलग राजघराने थे उस समय के आस के जो पूरे जिले, और ये जो पूरा एरिया है जिसे कहते हैं प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र का प्लेन्स, यहाँ पे मेन इनकी क्या थी,
कमांड थी अहोम किंगडम की, मेन यहाँ पे नहीं था। बाकी बाकी इलाकों में जैसे यहाँ पे नागा है, यहाँ पे सिंगफो है ना, ये सब लोग अहोम राजा को ट्रिब्यूट दिया करते, लेकिन यहाँ भी लोकल लेवल पे इन्हीं ट्राइबल्स लोगों का नियम कायदा कानून चलता है, ठीक है। ऊपर दफला है, मिशिंग है, ये सब जनजातियां आज भी है, इनका चलता था। तो सारी टेरिटरी अहोम की ही थी, लेकिन इनका जो मेन था कंट्रोल था वो कहाँ पे था, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान पे था वहां पे था। और ये चीज मैंने आपको यहाँ समझा दी है, इनके लीडर्स का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो राजा था अहोम किंगडम का, उसका नाम था गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर का नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, गोमधर कुंवर। अगर हो सके तो धनंजय बोंगई हैन और जयराम खगरिया फुकन का भी नाम याद रख लीजिए, लेकिन गोमधर कुंवर याद रह गया तो भी बहुत है। गोमधर कुंवर उस समय के राजा थे अहोम किंगडम के, और वो भिड़ गए कि भैया बर्मीस पे गुस्सा हो गए कि यार हारे तुम ही हो युद्ध होना, तो तुम अपनी इलाका दो, हमारा इलाका क्यों दे रहे हो। और इसलिए ये रिबेलियन हुआ था। और जो गोमधर कुंवर थे उन्होंने बोला कि हम एक स्वतंत्र राजा हैं, ना हम अंग्रेजों के अधीन है, ना हम बर्मा के अधीन है। और अल्टीमेटली इस विद्रोह को दबा दिया गया और बहुत सारे लोगों की बड़ी ही जिसे कहते हैं बुरी तरह इनकी हत्या कर दी गई बाकी लोगों की, है ना। एक रिवोल्ट हुआ था, इसका जो कारण है वो क्या है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। तो अगला अपन पढ़ रहे हैं सूरत साल्ट एजिटेशन। सूरत साल्ट एजिटेशन, इधर आपको मिलेगा सूरत, ठीक है। और सूरत हमेशा से मुगलों के समय से भी बहुत बड़ा जगह था, अंग्रेजों का भी था, हमने कई सारी बैटल देखी है। ये ट्रेडिंग एरिया था, यहाँ पे समंदर का किनारा है सूरत में। अब हुआ कि 1840 में अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या, जो नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, पहले 50 पैसा लगता था उसको 1 रुपया कर दिया, तो यहाँ की जनता भड़क गई। देखो इसके 90 साल बाद 1930 में भी गांधी जी कुछ ऐसा करेंगे, नमक सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। तो इसके लगभग 90 साल पहले एक नमक सत्याग्रह हुआ था, लेकिन वो सूरत में हुआ था, और वहां भी क्या हुआ था, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था और उस टैक्स का विरोध किया वहां के लोगों ने, और अटैक करना शुरू कर दिया यूरोपियंस पे। जो भी यूरोपियंस दिख रहा था, अंग्रेज दिखे, पुर्तगाली दिखे, जो भी दिखे, सबको मारना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना जो फैसला था उसको वापस ले लिया कि नहीं भैया ये लोग तो हमको मार डालेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, सूरत साल्ट एजिटेशन हुआ क्यों था, जो टैक्स की कीमतें थी वो बढ़ा दी गई थी। और यहाँ पे भाई नमक कैसे हो बनता ही, यह सब आपको पता होगा। समंदर का पानी खारा होता है, उसको गड्ढे में भरते हैं, फिर वो उसमें भाप बनता है, इवेपोरेट हो जाता है, और बाद में जो नीचे का जब बसता है वो नमक रहता है। यहाँ के लोगों ने लड़ाई नहीं की थी, ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोगों ने पैसिव रेसिस्टेंस दिखाया था एक तरह से, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह जैसा कुछ किया था, मतलब गांधी जी के नमक सत्याग्रह करने से लगभग 90 साल पहले भी सूरत के लोगों ने कुछ पैसिव रेसिस्टेंस किया था। पहले तो बोला कि हम टैक्स नमक ही नहीं बनाएंगे, जो काम कर रहे थे नमक बनाने का वो उन्होंने काम छोड़ दिया। उसके बाद जिस एरिया में ये नमक बन रहा था वहां के जमींदारों ने बोला कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, है ना। और उसके बाद उन्होंने बोला कोई और व्यक्ति यहाँ नमक नहीं बनाएगा, तो अगर आप नमक पर टैक्स बढ़ाओगे तो ना तुम नमक खाओगे ना हम नमक खाएंगे, और नमक तो बहुत जरूरी है, है ना। तो उसके बाद अंग्रेजों ने जो अपनी बढ़ी हुई कीमतें उसको हटा दिया, और अंग्रेजों ने फिर एक नया कानून भी लाया था जिसके तहत स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स लाए जा रहे थे। जैसे आप जानते हैं कि आज कोई 500 ग्राम है या 1 किलो का जो बाट होता है वो इतना ही, बाट 500 ग्राम का क्यों होता है, इतना ही 1 किलो क्यों होता है, इतना ही 250 ग्राम क्या होता है, इसका एक पैमाना होता है। तो अंग्रेज एक स्टैंडर्ड ला रहे थे कि भाई इतना चीज इतने ग्राम की होगी, और उस वजह से क्या हो रहा था, जो आम आदमी था, मान लो पहले समझ लो 500 ग्राम में उसको ज्यादा चीज मिलती थी, अंग्रेजों के नए पैमाने से उसका 500 ग्राम में उसको चीज कम मिल गई, पैसा तो 500 ग्राम का देना पड़ रहा था, इसलिए ये भी हुआ था। तो बाद में अंग्रेजों ने वो जो कानून ला रहे थे जिसको स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स कहा जा रहा था, उसको भी इन्होंने वापस ले लिया कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो आज
एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम है। मान लो सरकार बोले कि 1 किलोग्राम बराबर 750 ग्राम या 700 ग्राम, इसका मतलब आप 1 किलो शक्कर लोगे दुकान से, वो आपको 700 ग्राम तौल कर देगा और आपको पैसा 1 किलो का लेगा, तो आपका तो घाटा हो गया ना, 300 ग्राम कम मिल रही पहले के हिसाब से। ऐसा ही कुछ हो रहा था वहां पे, तो लोग भिड़ गए थे, उसको ही वापस ले लिया, जो रकम बढ़ाई थी सॉल्ट टैक्स बढ़ाया था उसको वापस ले लिया। ठीक है, तो ये सॉल्ट, सूरत का सॉल्ट स्टेशन आपको ध्यान रखना है। और मेरे ख्याल से अब चलते हैं, दो और बचे हैं, एक कोल्हापुर वाला बचा है और एक और शायद बचा है, देखते हैं। वहाबी, वहाबी तो वैसे मैंने आपको बता दिया वहाबी क्या था, वहाबिज्म क्या था, एक ही बचा ही है ना, इसको पढ़ने में थोड़ा आपको आनंद आएगा। असल में हमारे एक मंत्री हैं, उनका नाम है गडकरी साहब, नितिन गडकरी, है ना। ये कोल्हापुर और सावंतवाड़ी वाले इलाके में हुआ था। कोल्हापुर की चप्पलें आप बड़ी फेमस है, अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में पहना है, डायलॉग भी मारे कोल्हापुर की चप्पल का, है ना। वैसे कोल्हापुर एक चीज के लिए और फेमस है कि जो मराठाओं में, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, मैंने पढ़ा है कि मराठाओं का जो पेशवाई था उसका एक परिवार कोल्हापुर में जाकर बस गया था, तो एक ब्रांच कोल्हापुर से चलती आ रही थी, है ना। तो कोल्हापुर और सावंतवाड़ी में रिवोल्ट क्यों हुआ था, यहाँ पे जो लोग रहा करते थे उनका नाम था गडकरी, उनको गडकरी कहते थे। गढ़ मतलब गढ़ मतलब किला या फोर्ट, करी मतलब जो उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब ये जो गडकरी लोग होते थे ये किलों की रक्षा करते थे या किलेदार हुआ करते थे। जैसे ये किला है, इसकी रक्षा कौन करता था, गडकरी लोग। क्या करते थे, इनको बकायदा वेतन मिलता था सब कुछ। अब अंग्रेजों ने क्या किया, भाई ये जो इलाका है, अब इस समय तक आप देख रहे हैं पेशवाई खत्म हो चुकी है, सारा मराठा कॉन्फिडेंसी खत्म हो चुकी है, अंग्रेजों ने ये जो किले हैं सारे अपने अंडर में ले लिए हैं, अपना इसका बेस बना लिया है, और महाराष्ट्र वाले इलाके में किले बहुत सारे आपको मिलेंगे। यहाँ से ये गडकरियों को एक्सपेल कर दिया गया, तुम्हारा काम धंधा खत्म हो गया, भगो यहाँ से। अब ये गडकरी जो कि पुश्तों से काम करते आ रहे थे, मिलिट्री क्लास होती थी, और ये मराठा जो किले होते थे उनकी रक्षा किया करते थे। अंग्रेज किलों को गैरिसन कहते थे, अंग्रेज किलों को गैरिसन कहते थे। ठीक है, तो ये मराठा जो गडकरी लोग, ये भिड़ गए 1844 में, ये लोग भिड़ गए। पहली चीज तो क्यों, आपने इनकी जो फौज है, जो इनका काम था, वो इनसे छीन लिया, उस पर से आपने बोला कि भाई ना हमको वेतन मिलेगा। तीसरा आपने बोला ये जो किले हैं, ये किले के मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी बनेंगे, तो इनको बुरा लगा। सही बात है, आपने किसी की रोजी रोटी पे हाथ मारोगे तो बुरा लगेगा ही, साथ में आपने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। अब ये आदमी जो कि कई पीढ़ियों से किले की रक्षा करते आ रहे थे, समाज में अच्छा खासा नाम था, अब ये बेचारे किसान बन रहे हैं, कुछ और छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो इनको आया गुस्सा और ये लड़ गए। ठीक है, आज नितिन गडकरी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, और ये गडकरी जो शब्द आया ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ लड़ गए, इन्होंने कई सारे किलों को जीत लिया, भाई किलेदार थे ही, किले की रक्षा करते थे, कई किलों को जीत लिया, अंग्रेजों को मारा पीटा भगा दिया, और बाद में इस रिवोल्ट को शांत किया गया। आपको बस ये ध्यान रखना है हुआ कब था, 1844 में। तो ये था कोल्हापुर वाला, देखो गडकरी रिवोल्ट को ही कोल्हापुर का विद्रोह भी कहते हैं। और जो सावंतवाड़ी वाला विद्रोह हुआ है ये कई बार हुआ, 1830 से लेकर 1838 कई बार हुआ है, और ये भी इलाका वही है। सावंत एक कास्ट होती है ना, वाड़ी मतलब उनका इलाका, तो सावंतवाड़ी में भी यही चीज हो रहा था, उनके उनसे टैक्स लिया जा रहा था, उनकी जमीनें से उनको बेदखल किया जा रहा था, अंग्रेज उन पर नए नए नियम लगा रहे थे, ये बढ़ गए। ठीक है, तो ये सावंतवाड़ी और जो कोल्हापुर वाला रिवोल्ट है, जिसको हम गडकरी रिवोल्ट कह रहे थे, ये हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि गडकरी नाम के अभी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, तो क्या पता सरकार पूछ, लेकिन गडकरी जो है तो उससे गडकरी आ जाए, इसलिए मैंने इसको डाल दिया था। तो ये हो गए आपके सारे विद्रोह जो कि जमींदारों और राजकुमारों या राजाओं ने किए थे 1857 के पहले। ठीक है, सारे रिवोल्ट हो गए खत्म। अब कल की क्लास में, अब देखियो अभी तक हमारे देश में इस समय तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं आई है, अभी तक राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की भावना नहीं आई है। मतलब हम एक हैं, हम भारत हैं, भारत से अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेज भाग जाएं, नहीं। अभी तक क्या हो रहा था, उड़ीसा वाला अपने स्तर पर लड़ रहा है, गुजरात वाला अपने स्तर पर लड़ रहा है, आदिवासी अपने स्तर पर, उनका ये था कि ये जो मेरा गांव है यहाँ से अंग्रेज भाग जाए, बाकी कहीं भी जाए। तब तक भारत का कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि ये हमारा जो पूरा देश है ये एक राष्ट्र की, अच्छा सॉरी, ये तो पूरा ऐसा है ना, पाकिस्तान भी था, एक राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी हमारे समय।
तो 1857 की क्रांति में मोटे तौर पे बहुत बड़े हिस्से में क्रांति हुई थी, और ये क्रांति क्यों हो पाई और इस क्रांति में क्या राष्ट्रवाद का जन्म हुआ कि नहीं, नेशनल नेशन की फीलिंग आई कि नहीं, नेशन हम नेशन कब बने, इसको लेकर मैं एक लेक्चर दूंगा। असल में राष्ट्रवाद क्या है और क्यों है, और क्या हमारे इन आंदोलनों से हमारे देश के अंदर या लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ रही कि नहीं, इसका एक लेक्चर मैं कल दूंगा आपको। उसके बाद हम क्रांति में जाएंगे, क्योंकि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद जानना जरूरी है कि भारत ऐसा राष्ट्र या भारत के लोगों में ऐसा राष्ट्रवाद की भावना कब से आई, क्यों आई, क्योंकि हमने रिवोल्ट देख लिए, बहुत सारे किसानों का विद्रोह देख लिया, जमींदारों का विद्रोह देख लिया, आदिवासी का विद्रोह देख लिया, राजाओं का विद्रोह देख लिया, सब देख लिया। लेकिन अभी भी हमारे किसी विद्रोह में ऐसा नहीं कि राष्ट्र की भावना, अभी कोई ऐसा नहीं कह रहा किसी विद्रोह में कि तुम ये देश छोड़ के चले जाओ। भाई पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने भी क्या बोला, अब अंग्रेज भाग जाएंगे हमारे क्षेत्र से, भागे तो उनका क्षेत्र भी उड़ीसा ही था, उनको पूरे देश से मतलब नहीं था। ठीक है, कोई राजा था तो कोई राजपूत है तो राजपूत देख रहा है, जो मराठा है तो मराठा महाराष्ट्र वाला देख रहे हैं, है ना, बंगाल तो बंगाल देख रहा है, कोई देश की भावना नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रवाद की भावना आई कैसे, कहाँ से आई, इसके बारे में एक लेक्चर देना जरूरी है, क्योंकि इसी बीच में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं छप रही हैं, उन पत्र पत्रिकाओं ने और टेलीग्राफ के माध्यम से और लोगों की रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो फीलिंग आई है, इस राष्ट्रवाद की फीलिंग ने 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा योगदान भी दिया है, बहुत योगदान भी दिया है। तो इसके लिए अपन एक लेक्चर कर लेंगे, और उसके बाद परसों की क्लास से 1857 की क्रांति के रीजंस मोटे मोटे आप समझ चुके हैं, लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं, हर एक वर्ग का व्यक्ति अंग्रेजों से परेशान है। 1857 के जो मेन कॉसेस रहेंगे उनको हम देखेंगे, और इस क्रांति में सबसे मेन ये होता है कि कहाँ किस किस एरिया में किसने लीड किया। जैसे भाई झांसी में कौन लीड कर रहा था, दिल्ली में कौन लीड कर रहा था, बरेली में कौन लीड कर रहा था, लखनऊ में कौन लीड कर रहा था, ठीक है, ये सब महू से कौन लीड कर रहा था, ये सब चीज़ हमें जान ली। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर रहेगा वो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद पे रहेगा, इससे हम देखेंगे किस तरह हमारे देश में, मतलब एक तरह से थोड़ा लेक्चर टाइप ही लेक्चर रहेगा, ज्यादा आपको फैक्ट नहीं मिलेगा लेकिन आपको समझ में आएगा कल के लेक्चर में कि 1857 की क्रांति क्यों साल डेढ़ साल चल पाई, क्यों इतने बड़े स्तर पे लोग लड़ पाए, मर पाए, अपने जीवन की आहुति दे पाए, क्यों अंग्रेज एक तरह से बैकफुट में आ गए थे और वहां से रानी को आना पड़ा, तो हमारा देश टुकड़े टुकड़े देश ऐसे कैसे राष्ट्र बना, और ऐसी कौन सी भावनाएं थी, ऐसी कौन सी बातें थी जिसमें हमें राष्ट्र बनने पर प्रेरित किया कि हम बोल पाए कि नहीं अंग्रेजों भाग जाओ यहाँ से, या हटो तुम यहाँ से, कंपनी रूल खत्म करो, है ना, मारो फिरंगी को, ये सब नारे क्यों आए। तो ये सब चीजें हम कल देख लेंगे, तो आज की क्लास में किसी को डाउट हो तो पूछ ले।